आमतौर पर राजनेताओं की सख्त और हर तरह के दांवपेश खेलने वाली छवि ही हमारे सामने आती है, लेकिन भारतीय राजनीति में ऐसे कई दिग्गज नेता भी हैं जिनकी लव स्टोरी भी कम इंटरेस्टिंग नहीं। इनमें से कई लव स्टोरी तो किसी फिल्म की कहानी सी लगती है। आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे नेताओं के बारे में जिन्होंने लव मैरिज की है। फारूक अब्दुल्ला और मौली अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक कैथोलिक महिला से लव मैरिज की थी। 1960 में फारूक अब्दुल्ला मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। इसी दौरान वो ब्रिटिश मूल की मौली से मिले। उस वक्त फारूक एक डॉक्टर थे और मौली नर्स। दोनों में प्यार हुआ और फिर शादी। शादी के बाद दोनों कश्मीर आ गए। उमर अब्दुल्ला और पायल नाथ। फारूक अब्दुल्ला ही नहीं, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने भी लव मैरिज की थी। उमर अब्दुल्ला की पायल से पहली मुलाकात दिल्ली के ओबेरॉय होटल में हुई थी। दोनों होटल ओबेरॉय में एक साथ काम किया करते थे। पूरे परिवार ने उमर की शादी का विरोध किया था। उनकी माँ, बहन और भाई सब खिलाफ थे। बावजूद इसके दोनों ने 1994 में लव मैरिज की। हालाँकि अब दोनों में तलाक हो चुका है। सचिन पायलट और सारा पायलट। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट और उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। कहानी में लड़का हिंदू है और लड़की मुस्लिम। दोनों विदेश में पढ़ाई के दौरान मिले और प्यार हो गया, लेकिन जब बात आई शादी की तो दोनों की फैमिली में विरोध शुरू हो गया। हालांकि बाद में सचिन पायलट ने अपनी फैमिली को शादी के लिए राजी कर लिया और 2004 में अब्दुल्ला फैमिली के विरोध के बाद भी दोनों ने शादी कर ली। मुख्तार अब्बास नकवी और सीमा नकवी। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी और उनकी वाइफ सीमा की लव स्टोरी कॉलेज के दिनों में शुरू हुई थी। हालांकि सीमा के परिवार वाले दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन प्यार के आगे सभी को झुकना पड़ा। दोनों की शादी तीन तरीके से हुई थी। सबसे पहले कोर्ट में शादी रजिस्टर कराई गई, फिर निकाह हुआ और फिर सात फेरे। शहनवाज हुसैन और रेणु शर्मा। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन जब ग्रेजुएशन कर रहे थे तब उनकी पत्नी सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट थी। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई जो प्यार में बदल गई, लेकिन दोनों की शादी के लिए घर वाले तैयार नहीं थे, इसलिए दोनों को शादी के बंधन में बंधने में तकरीबन 9 साल लगे। नवजोत सिंह सिद्धू और नवजोत कौर। क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को नवजोत कौर से पहली नजर में ही प्यार हो गया था। नवजोत जहां से रोज निकलती थी वहां एक चिकन की दुकान थी। सिद्धू इसी दुकान पर चिकन खाते और नवजोत का इंतजार करते। सिद्धू को नवजोत कौर को मनाने में काफी वक्त भी लगा, मगर आखिरकार नवजोत कौर ने सिद्धू को हाँ की और फिर दोनों ने शादी कर ली। सुब्रमण्यम स्वामी और रुक्सना स्वामी। शायद ये बात कम ही लोग जानते हैं कि जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके सुब्रमण्यम स्वामी ने भी लव मैरिज की है। स्वामी जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे वहां उनकी मुलाकात भारतीय मूल की पारसी लेडी रोक्सना से हुई। दोनों में प्यार हो गया और फिर शादी कर ली। पी चिदम्बरम और नलिनी चिदम्बरम। देश के पूर्व वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम की लव स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने घर से भागकर नलिनी से शादी की थी। उनके माता पिता नाराजगी के चलते उनकी शादी में शामिल नहीं हुए थे। घर वालों को मनाने के लिए उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। शादी के करीब एक साल बाद पी चिदम्बरम को घर में एंट्री मिली थी। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव। अखिलेश यादव की डिम्पल से मुलाकात इंजीनियरिंग के दिनों में हुई थी। तब अखिलेश महज 21 साल के थे और डिम्पल 17 की। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के घर पर हुई और पहली ही मुलाकात में दोनों की केमिस्ट्री जम गई। हालांकि दोनों की शादी के लिए सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव तैयार नहीं थे। तब अमर सिंह ने मुलायम सिंह को मनाया था और दोनों की 1999 में शादी हुई थी। देवेंद्र फडणवीस और अमृता। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता की लव स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। दोनों की लव स्टोरी इसलिए अलग है क्योंकि दोनों ने महज एक घंटे की मुलाकात में ही शादी का फैसला लिया था। रिपोर्ट्स की माने तो देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात अमृता से हुई तो उन्होंने कहा कि तुम काजोल की तरह दिखती हो और फिर तुरंत शादी का ऑफर दे दिया, जिसे अमृता ने एक्सेप्ट भी कर लिया। आपको बता दें कि देवेंद्र को एक्ट्रेस काजोल बेहद पसंद है।